अगर माचिस की तिल्ली की। आज दिनांक 13/8/2023 रांची नामकुम डिप्लोमा अभियंता भवन में बहुजन समाज सम्मान समारोह कार्यक्रम के अतिथि बसपा के झारखंड प्रभारी माननीय M.L. तोमर साहब, मुख्य वक्ता प्रभारी माननीय सतीश बौद्ध साहब एवं इस कार्यक्रम का अध्यक्षता बसपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी माननीय राजन मेहता साहब जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित। बसपा के झारखंड प्रदेश महासचिव माननीय मनीष सिंह जी, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुबल दास जी, अरुण कुमार जी, जगदेव मेहरा जी, अजय चौधरी उर्फ अजय मेटल जी इत्यादि तमाम प्रदेश के पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। पहले जय भीम जोहार। नज़र 24 के सभी दर्शकों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुजन समाज पार्टी का बहुजन सम्मान सम्मेलन सदाबहार चौक रांची में किया जा रहा है, जिसमें सभी जिला के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय केंद्रीय प्रभारी M.L. तोमर साहब, सतीश बोध जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का कार्यक्रम बहुजन सम्मान सम्मेलन रखा गया था। इन कार्यक्रम में मणिपुर जैसी घटना, UCC जैसी और झारखंड सरकार की 60-40 नीति को लेकर बात रखी गई, जिसका बहुजन समाज पार्टी पूर्ण जोर से विरोध करती है और सभी जिला में अपने अपने मुख्यालय में मणिपुर घटना को लेकर, 60-40 को लेकर, पेशाब कांड को लेकर और जितनी भी गलत नीति केंद्र सरकार राज्य सरकार की है, उन सभी नीतियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने अपने मुख्यालय में सभी जिला अध्यक्ष ज्ञापन सौंपेंगे। आपका समाज पार्टी का जो मीटिंग है उसका विशेष रूप में बताने के लिए। सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे आप और इस बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ को आप दूर दूर तक पहुँचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या बैठक का उद्देश्य था? बहुजन सम्मान सम्मेलन। तो इसमें आपने देखा कि सारे लोग इसमें जो आए हैं हमारे पूरे प्रदेश से, झारखंड प्रदेश से, हर जिला से करीब करीब लोग पहुंचे हुए हैं। आज का उद्देश्य यही है कि जो आप मणिपुर में जो घटना सुने, मध्य प्रदेश में घटना सुने, आप किसानों की आंदोलन को आपने देखा, आपने जो पहलवानों के साथ जो किया इस भाजपा की सरकार ने, उसी के लेकर के आज यह बहुजन सम्मान सम्मेलन यह था। और इसके माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को यह ज्ञापन दे करके यह मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस सब पर अगर सुधार नहीं हुआ, इस सब पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया, तो हम लोग बाध्य होकर के चरणबद्ध तरीके से बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। आप लोगों के साथ 2024 का क्या प्लानिंग है? देखिए, 2024 से हम लोग पूरे तैयारी के साथ लगे हुए हैं। पूरे झारखंड में दमखम के साथ बहन जी का आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से मैं बहन जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरह मुझे यह प्रदेश का नेतृत्व मिला है। निश्चित रूप से 2024 में जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है, उसमें 14 सीट यहाँ है, 14 सीट में से ज़्यादा सीट जीत करके हम बहन जी की झोली में डालने की काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। और साथ में इसके बाद तुरंत 6 महीना के बाद आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा के चुनाव में इतना मैं आपको बता दूं, आपकी न यहाँ UPA, न NDA, न NDR कोई नहीं चलेगा, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अब बहुजन समाज पार्टी बिना, इतना जरूर मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। पूरा हम लोग बूथ तक हम लोग जा रहे हैं, बूथ तक हर गांव, मोहल्ला, टोला में हम जा रहे हैं और जा करके लोगों को इस मिशन मूवमेंट के विषय में बता रहे हैं, अपना हक अधिकार के विषय में बता रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी यह भी बता रही है कि वोट जो है, वोट कितना पवित्र, कितना कीमती है, हम अपने आदमी वैसे आदमी को चुन करके देंगे जो हमारा इस झारखंड के विषय में चिंतन करेगा, मंथन करेगा और जो गरीब गुरबा के विषय में वह सोचेगा, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए
यह बता रहे हैं, और लोग बहुजन समाज पार्टी की वोटिंग करेगा और सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी।